ठंडा हो गया। बीजों को सुखा के आप अपने पास रखो और जब भी बरसात आती है सड़क के किनारों पे और रेलवे लाइन के किनारों पे, नहरों के किनारों पे उन बीजों को फेंक दो। मौसमी उगी होगी जहीं पे अनार उगे होंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बीज उगते हैं और कितने महंगे फ्रूट्स हैं, लोग खाएंगे तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा। और ऐसे ही बीजों से हम उगाते हैं, नवग्रह दिव्य वनज लगाते हैं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैं ये लेके आया हूँ गिफ्ट देने के लिए नंदनी जी को और इनकी पूरी टीम को, प्लीज आइए मैम, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। बच्चों आपको सबको पता है आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, सबको बताया? चलो कौन बच्चा बताएगा मुझे आज है क्या? पांडे साहब पाइप लगा के बैठता है अद्धा घंटा गड्डी घूम जाता है तो उन्होंने जाके रोकते हो कि नहीं रोकते हो? कोई नहीं रोकता, तो पहले भी नहीं पहले चलो ये दारू पैन नंदी जी का नंबर जरूर लाओ कहता तो किसी एक बार संस्था में दसो ताकि ये जाके उन्होंने समझा सके कि पानी को तुसी वेस्ट ही करना। ठीक है नंदी जी, कि आप लोगों को ये मालूम है कि जो हमारी धरती है आप लोग देखते होंगे कि उसमें कितना पानी है? 71%। वेरी गुड, बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी हमारी धरती में 99% वाटर है। हमारी जो धरती है कंट्रीब्यूटेड ऑफ 99% वाटर। सिर्फ जो हम लोग यूज करते हैं डेली अपना वो सिर्फ 1% पानी है। पूरे 99% हमारी जो धरती है उसमें से हमारे पास सिर्फ 1% पानी रह जाता है जिसको कि हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो 1% पानी का जो लेवल है आजकल डे बाय डे नीचे जाता जा रहा है पानी का स्तर, ये आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? हमने दिखाएंगे सभी बच्चे पढ़ेंगे सारे प्रोस्पेक्ट। और मेरे को एक एक बच्चे को सुनना है कि आज अर्थ डे के मौके पे जो हमने यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मना रहे हैं हम, और ये पहले सबसे पहले आप बताएंगे कि शुरुआत कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस डे, किसने किया था? किसी को मालूम है अर्थ डे किसने स्टार्ट किया था, कि ये अर्थ डे किसने शुरू किया था और कब शुरू हुआ था? किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मुझे बताओ। आस पास कौन से ईयर में शुरू हुआ था ये अर्थ डे? 1970 में शुरू हुआ था ये, बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। एक मैम की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बता रहा हूँ और अगर आज हम इसको नहीं इतना पड़ेगा कैप्सूल में, अगर पानी हम आप लोगों को पानी आने वाले समय में कैप्सूल में मिलेगा। एक पर्ची पे लिख दिया 5 कैप्सूल पानी के ले लो, 5 इंजेक्शन पानी के ले लो। तो आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि पानी अगर कैप्सूल में आना शुरू हो जाएगा तो इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव? हम खाने के बिना जी सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं जी सकते। और आज से पहले मुझे कोई भी बच्चा चलो कोई टिप बताएगा कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कोई मेरे को आइडिया बताए कि चलो डेली यूज में हम लोग किस तरह से पानी बचा सकते हैं, पानी कैसे सेव कर सकते हैं हम? खड़े होके प्लीज आंसर दीजिए। पाइप पानी तो
ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਏ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। कोई पाइप्स जो लगा के हम कार वॉशिंग करते हैं, जो भी है वो होती है जो घुलनशील होती है, जैसे कि ग्रीन सब्जियों के छिलके, ऑर्गेनिक जो हम रूटीन में खाद्य पदार्थ यूज करते हैं जो पृथ्वी में घुल जाते हैं, ऐसे जो वेस्ट है उसे हमें अलग डस्टबिन में डालना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। इसमें क्या होगा, आप लोग मैं आपको बताना चाहूंगी, ये दो तरह के वेस्ट अगर हम अलग डालेंगे, इससे हमारी ग्रीन वेस्ट से हमारी खाद बनती है, और जो ड्राई वेस्ट है वो सेपरेट, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, रबर्स, ग्लास, उसको अलग डस्टबिन में डालेंगे। सो देट उससे क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? कि कोई भी बच्चा, एनी स्टूडेंट वॉलंटियर? यस, प्रेसिडेंट ऑफ सर्व सहयोग एनजीओ द बेटर नेशन सोसाइटी। आज हम यहाँ पे अर्थ डे के मौके पर इकट्ठे हुए हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन में, जहाँ कि हमने बच्चों को ये संदेश दिया है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन बना सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड अर्थ डे हमारा जो स्टार्ट हुआ था 1970 में अमेरिका में, और ये हमारा अर्थ डे जो है एक मैसेज है कि हमें जो एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। प्लस हमने आज वेस्ट सेग्रीगेशन का मैसेज दिया है स्टूडेंट्स को हमने इसलिए चूज़ किया सो दैट जो स्टूडेंट हैं आज के, वो आने के वाले टाइम में देश के एक जिम्मेवार नागरिक बनने वाले हैं। और स्टूडेंट्स को ये भी कहा गया है कि हम अपने ये जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को भी बताएंगे, सो दैट ये मैसेज हमारा ग्रो ग्रीन का। प्लस हमने सेव वाटर पे हमने बच्चों को अवेयरनेस दिया है, क्योंकि आजकल हमारा जो पानी का लेवल है बहुत नीचे जा रहा है, हमें सभी को इसके बारे में टिप्स बताए गए रूटीन में कैसे सेव वाटर करना चाहिए। प्लस हमने यहाँ पे प्लांटेशन भी की है स्कूल में, और मैं सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अर्थ डे आज ही नहीं रोज़ मनाना चाहिए, हमें डेली हर एक नागरिक को ये प्रण लेना चाहिए कि कम से कम अपने बर्थडे पे एक ट्री ज़रूर प्लांट करें, सो दैट आने वाले समय में हम अपनी धरती माता को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें और ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।